मोदी जी की जगह तो अभी कोई भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं अल्टा पल्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अल्टा पल्टी होगी। देखिए अरुण श्रीवास्तव जी को बेसिकली अभी कोई जानता ही नहीं। अभी तक तो हमने सांसदों का जो देखा है रवैया काम करने का, वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और उसके बाद जीत के जान हो जाते हैं गायब। और को पूछेंगे नाम तो बता भी नहीं पाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार को। एक बार उनकी शक्ल देखने को नहीं मिली, ना क्षेत्रों में आती ना कुछ। और वो कांग्रेस हर बार एक नया कैंडिडेट उतारती है, उसको कोई फेस ही नहीं पता क्या है, कोई नीति ही नहीं पता उनकी क्या है। मुझे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि उनको कोई जानता है और उनको वोट मिल पाए। हाँ बहुत संकट है उनके, उनकी नीति अलग है। मीडिया से लेके सारी पावर्स जो है, मीडिया मोदी जी को ही रिप्रेजेंट करती है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं अमित आयरन द खबरदार न्यूज से। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासत शुरू हो चुकी है, पार्टियों ने अपनी अपनी बिसातें बिछा ली हैं। चलिए आइए कुछ लोगों से इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुनील दुबे। सुनील जी, आप भोपाल के मतदाता। लोकसभा चुनाव 2024 का एंट्री हो चुकी है, आगाज हो चुका है, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में सरकार की अल्टा पल्टी होगी या कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ नया होगा? अल्टा पल्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अल्टा पल्टी होगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मार्केटिंग कर रही है उससे तो पूरी तरह से लगता है कि बीजेपी ही आएगी। ये एक मार्केटिंग से हो रहा है या आम मतदाता भी उससे जुड़ा हुआ? नहीं, मार्केटिंग से ही हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सांसद तो कुछ काम करते ही नहीं है। पिछली बार जो प्रज्ञा जी बनी थी, एक बार उनकी शक्ल देखने को नहीं मिली, ना क्षेत्रों में आती ना कुछ। अभी तक तो हमने सांसदों का जो देखा है रवैया काम करने का, वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और उसके बाद जीत के जान हो जाते हैं गायब। वर्तमान ग्राउंड लेवल पे 0-0 है। वो तो मोदी जी है जो पूरे इंडिया लेवल पे दिखते हैं और मार्केटिंग होती है। और उन तो चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो सिर्फ मोदी जी और अन्य विपक्ष के मुद्दे पे ही लड़ा जा रहा है। मोदी जी और अन्य विपक्ष के मुद्दे, फेस जो है सिर्फ मोदी जी है, फेस मोदी जी है बिल्कुल। बाकी मुद्दे उनके पीछे क्या गौण हो जा रहे हैं? गौण हो ही जा रहेंगे, क्योंकि मीडिया से लेके सारी पावर्स जो है, मीडिया मोदी जी को ही रिप्रेजेंट करती है, तो स्वाभाविक बात है कि मोदी जी फ्रंट चेहरा रहेंगे रहेंगे। इंडिया गठबंधन में ऐसा कौन सा नेता आपको लगता है जो मोदी जी के अगेंस्ट या उनकी जगह ले सकते? मोदी जी की जगह तो अभी कोई भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हमारे देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और सबका ख्याल रखते हुए सबका साथ सबका विकास, यही जरूरी है। विकास चल रहा है, विकास हो रहा है, होना भी चाहिए। राहुल गांधी या ममता बनर्जी आपको लगता है कि इस लायक है या हम उनको इस योग्य समझ सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं आने वाले? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही रहेंगे और उनको ही रहना चाहिए, अन्यथा नहीं ले सकता उनकी जगह। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि पुराने सांसदों ने कोई काम नहीं किया है, वर्तमान में लोकसभा चुनाव जो भोपाल से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, आपको लगता है कि भोपाल की गणित उनको अच्छे से आता होगा, उनको किस तरह से मतदाताओं के काम? बिल्कुल आएगा, महापौर हैं तो रहेगा उनको सब। महापौर रहते हुए कुछ भोपाल के विकास किया उन्होंने? बिल्कुल किया। अरुण श्रीवास्तव जी, आप लगता है अगर अरुण श्रीवास्तव जी लक बाई चांस अगर आते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके भी चांस है अरुण श्रीवास्तव जी विकास कर पाएंगे? वो दोनों के कंपैरिजन में आप कितना जानते हैं, किसे ज्यादा जानते हैं? तो बीजेपी के कैंडिडेट को ज्यादा जानते हैं। तो अरुण श्रीवास्तव जी वो एक नया फेस है कांग्रेस से, उनके विषय में आपको लगता है कि वो पार्टी के हिसाब से अपना कुछ काम कर पाएंगे भोपाल के? देखिए अरुण श्रीवास्तव जी को बेसिकली तो अभी कोई जानता ही नहीं, बाय फेस ना किसी ने देखा उनको, ना अभी तक सी और को पूछेंगे नाम तो बता भी नहीं पाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार कौन है। और अपने शर्मा जी हैं, उनको सब लोग जानते हैं, महापौर भी रहे हैं, अभी चुनाव भी लड़े हैं, वो यूथ के नेता भी रहे हैं, मतलब उन्होंने और भोपाल का बच्चा बच्चा उनको जानता है। और वो कांग्रेस हर बार एक नया कैंडिडेट उतारती है, उसको कोई फेस ही नहीं पता क्या है, कोई नीति नहीं पता उनकी क्या है। मुझे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि उनको कोई जानता है और उनको वोट मिल पाएगी। पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का आपको लगता है भोपाल के विकास में कोई योगदान नहीं रहा? मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं, चुनाव लड़ी उसी टाइम देखा होगा, या कोई विवाद करती है किसी दारू की दुकान पर जाके तोड़ फोड़ करती हैं जब ही देखा है, या कोई विवादित बयान देती हैं। इसके अलावा उन्होंने भोपाल के लिए तो कोई काम नहीं किया, वो तो सिर्फ वहाँ के सांसद
के नाम पे जीत जाती हैं। भोपाल सीट एक सुरक्षित सीट है, बाकी अन्य जगह अगर उनको कैंडिडेट बनाया जाता मुझे नहीं लगता कि वो जीत। पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार के लोकसभा चुनाव में भोपाल में वो गहमा गहमी वो माहौल नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पिछली बार क्या था कि एक बड़ा चेहरा लड़ रहा था जिसको कि देश का दो अपने प्रदेश का दो बार मुख्यमंत्री रहा है दिग्विजय सिंह, उनको सब जानते थे। एक फेस ऐसा था कि जिसको हम जानते थे, उम्मीद थी कि भाई ये भोपाल अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस नाते या कांग्रेस का बड़ा चेहरा था, उसको उनको टिकट सरकार ने दिया था कांग्रेस ने, तो जीत की एक उम्मीद थी। पर इस बार ऐसा चेहरा सामने लाए हैं जिसको कोई जानता ही नहीं। तो पिछली बार का हार का अंतराल 3 लाख के ऊपर ही था, तो इस बार मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा पड़ जाए। आपको लग रहा है कि आलोक शर्मा एक दमदार कैंडिडेट हैं बीजेपी के और अरुण श्रीवास्तव एक कमजोर कैंडिडेट साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी ने अपने हाथों से सीट गंवाने की कोशिश की? उनको पता है ना कि बीजेपी की सुरक्षित सीट है, इसलिए कोई ऐसा चेहरा उतार रहा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हारे या जीते। पीसी शर्मा जी भी दावेदार थे, अगर कहीं ना कहीं उनको लड़ाया जाता, वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता था शायद वो आलोक शर्मा को बहुत अच्छी टक्कर दे सकते। एक ये विपक्ष में अच्छा चेहरा था जो टक्कर देने लायक था, पर सरकार की नीति है उनकी, कांग्रेस की अपनी। पीसी शर्मा भोपाल में एक उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और काफी काम भी उन्होंने भोपाल के लिए किया होगा, लेकिन सरकार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनको निग्लेक्ट करके शायद ये सीट अपने हाथों से गवाई। अब ये तो कांग्रेस की नीति है, तो उनको जीतना है या हारना है तो ऊपर से डिसाइड है। क्या लगता है आपको, पिछली बार के आंकड़े से जीत का अंतर अब की बार बढ़ेगा? अंतर तो बढ़ेगा, जो 400 के बोल रहे हैं कि 400 के, पर 400 नहीं मिला तो 400 के करीब ही रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, पर 400 के समथिंग ही रहेंगे। ये मान लीजिए कि 370 और 400 के बीच में की सीटें आने की संभावना है। कितना आपको लगता है राम मंदिर का मुद्दा सरकार को बहुत फायदा देगा, वर्तमान सरकार को या आने वाले चुनाव में? जी बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा फायदा देगा ही, क्योंकि हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम 5-6 स्टेट जो हैं हिंदू स्टेट्स होंगे, और वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा तो बिल्कुल फैक्टर करता है। तो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो फायदेमंद है बिल्कुल, उसका बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो उनका बहिष्कार किया, राम मंदिर में नहीं जाके अपने नेताओं को नहीं भेज के, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनका खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, लगभग लोग तो यही समझते हैं कि जब निमंत्रण दिया गया और नहीं आए तो गलत है, राम जी तो सबके राम है, तो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि राम मंदिर में ना जाके हमने एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा नहीं है वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करी, उनको ये लगता है कि राम जी के मंदिर की स्थापना के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं थी, वहाँ तो लोग वैसे भी आ सकते हैं, तो उनको राम अगर किसी व्यक्तिगत का तो मंदिर है नहीं, या किसी पार्टी का मंदिर तो है नहीं, जिसके लिए निमंत्रण वो देंगे तो ही हम आएंगे, उसके लिए तो पूरा खुला मंच होना चाहिए था पूरा इंडिया के लिए। पर्टिकुलर किसी को निमंत्रण बांटने का अधिकार नहीं था कि हम इसको देंगे इसको नहीं देंगे या ये आ सकते हैं ये नहीं आ सकते हैं, निमंत्रण बांटना ही एक तरीके से गलत था, उसके लिए तो पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व को आपको बोलना चाहिए कि आना चाहिए, आमंत्रण निमंत्रण इनको दे रहे इनको नहीं दे रहे, ये आ सकते ये नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये एक राम मंदिर ट्रस्ट का अपना निजी फैसला है, उसमें सरकार का दखल नहीं था, राम मंदिर ट्रस्ट में महंतों को कलाकारों को गहरी नीति राजनीति है उतना हम लोग नहीं समझते हैं, बिल्कुल बाकी ट्रस्ट जो सारी चीजें हैं। लेकिन विपक्ष को भी बहुत आदरपूर्वक निमंत्रण दिया गया था, जाना भी चाहिए था, जिनको बुलाया था उनको जाना चाहिए था, क्योंकि तो देश का बहुत ही ऐतिहासिक काम था तो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार से या कांग्रेस से दूरियां बनाई, क्या लगता है आपको उनका डिसीजन सही रहा? अब अपने आप में जाना है उन्होंने क्या किया, आप अपने तरीके, आप तो अपने मत से बताए पार्टी को छोड़ के गलत किया। आज जिस तरह से कांग्रेस में से बहुत से लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अपने अपने दल को छोड़ दे रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में कांग्रेस में एक अच्छे उम्मीदवार के लिए बहुत संकट हो जाएगा? हाँ, बहुत संकट है उनके यहाँ, उनकी नीति अलग है, काम करने का तरीका अलग हो गया है उनका, वो उनकी नीतियाँ सही नहीं है इस वक्त। एक हिंदुत्व के मुद्दे पर कमलनाथ जी भी काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आप लोगों को हनुमान भक्त साबित करने की कोशिश भी की, आपको लगता है उनका ये सॉफ्ट रूप कहीं ना कहीं आम मतदाता को प्रभावित कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, राम जी तो सभी के हैं और पूरे विश्व के हैं, कण कण में समाये हुए हैं, हाँ उससे नहीं होता। अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकार में फिर से चुनाव होते हैं तो आपको लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, ये तो नहीं पता, ये तो संगठन ही तय करेगा,
नहीं, जैसे मान लीजिए अगर फिर से चुनाव होते हैं तो आपको लगता है बीजेपी फिर से वापसी करेगी या कुछ? 100% 1000% वापसी करेगी। आलोक शर्मा जी ने जो काम किए, बच्चा बच्चा जानता है उन्हें, पूर्व में भी बहुत काम किए हुए हैं उन्होंने, हर इंसान जानता है। आलोक शर्मा जी की बात ही अलग। आलोक शर्मा पूर्व मंत्री और बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में एक आम मतदाता से सीधा उनका जुड़ाव भी ला रही है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि अरुण श्रीवास्तव के जो कमजोर प्रत्याशी साबित हो रहे हैं? इसलिए हो रहे क्योंकि अरुण श्रीवास्तव जी को कोई जानता ही नहीं है और ना उनका कोई पॉलिटिकल परफॉर्मेंस रहा यहाँ पे, हमने रास्ते देखा ही नहीं उनको। पहली बार तो हमने नाम सुना कि कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी खड़े हुए हैं, उनको वाईफेस भी नहीं देखा और ना कभी पेपर में मीडिया में कोई चर्चा में रहे नहीं। लेकिन आलोक शर्मा जी वर्तमान में विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन इस समय जो दो मूल कैंडिडेट होते हैं, टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस की होती है। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा वो बहुत कमजोर है, इसको लोग जानते नहीं है, और आलोक शर्मा जी को सभी जानते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि वो पड़ला तो बारी आलोक शर्मा जी की, जीत उनकी सुनिश्चित है एकदम। पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व महापौर आलोक शर्मा की छवि और उनके वर्तमान कार्यप्रणाली एक आम मतदाता के दिमाग में एक छवि बनाए हुए है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट को उतार कर हो सकता है भोपाल लोकसभा सीट पे अपने हाथों से ही गंवाने की।